दोस्तों, इस वाक की शुरुआत ही लड़ाई से होती है। जो वाइकिंग्स लड़ाई के लिए इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वाइकिंग्स ने थोड़ी ही देर में उन्हें धूल चटा दी। इंग्लैंड से भेजी गई सेना वाइकिंग्स को रोकने के लिए कम पड़ गई। कुछ ही घंटों में वाइकिंग्स ने इंग्लैंड की सेना को ध्वस्त कर दिया। सेना की जो औरतें और लड़कियां बच गई थीं, उन्हें ईसाई वाइकिंग्स ने ढूंढ कर निकाला और एक दावत के रूप में अपने वाइकिंग्स के सामने पेश कर दिया। वाइकिंग्स के सरदार ने उस औरत से पूछा कि हमें राजा का सर चाहिए। तब उस औरत ने बताया कि राजा तो पहले ही मर चुके हैं, जब वो है ही नहीं तो तुम्हें उनका सर कहाँ से मिलेगा। वाइकिंग्स के सरदार को और वहाँ के राजा को ये सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वे बदले के रूप में राजा का सिर ही चाहते थे। दूसरी तरफ इंग्लैंड के राजा का बेटा, जो राजा बनने के लिए जिद कर रहा था, रानी उसका सर बचाने के लिए उसे रोक रही थी। इधर वाइकिंग्स अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और बड़े ठाके से हंस रहे थे। अगले दिन को वाइकिंग्स सेना में जो लोग मरने से बच गए थे, यानी जो करा रहे थे, उन्हें वो मौत दे देते हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड के राजा का बेटा तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। अपनी सेना के 2-3 लोगों को हराने के बाद वो कहता है कि मैं वाइकिंग्स से लड़ने के लिए तैयार हूँ। तभी उसका सलाहकार अपनी तलवार लेकर राजा के बेटे पर टूट पड़ता है और थोड़ी ही देर में उसे हरा भी देता है, और उसे ये भी समझा कर जाता है कि ज्यादा घमंड करना अच्छी बात नहीं। तभी अगले सीन में ग्रीनलैंड की लड़की और उसके साथ वाले योद्धाओं को दिखाया जाता है, जो पानी पीने के लिए किसी नदी के पास रुके थे। तभी वहां पर एक ईसाई वाइकिंग्स आ जाता है और बिना कुछ पूछे ही उन पर हमला करने लगता है। लड़की के साथ के ग्रीनलैंडर्स को वो तभी मार देता है, लेकिन लड़की उससे हार नहीं मानती है। आखिर में वो अपने हाथ की रस्सी से उसके गले में डालकर उसे मार देती है, और जिस लड़की को उसने चक्कू मार दिया था उसे वैद्य के पास ले जाती है। दूसरी तरफ ईसाई वाइकिंग्स उन सभी को दलदल की तरफ ले आता है और उनसे कहता है कि इंग्लैंड राज्य में इसी रास्ते से हमें जाना होगा, और वो कम से कम 8 से 10 वाइकिंग्स को वहां पर जाने के लिए कहता है, और उनका सरदार उसी ग्रीनलैंडर्स को बनाता है। अगले सीन में ग्रीनलैंडर्स के साथ वाले लोग और उसके साथ प्रिंस जाने के लिए तैयार हो जाता है। सभी लोग साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तभी प्रिंस के जानने पहचानने वाला मिल जाता है, जो उन्हें आगे की रास्ता दिखाएगा। वो उन सभी लोगों के हाथ में एक एक मसाल पकड़ा देता है, ताकि कोहरा आने पर कोई दिक्कत ना हो। सभी लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी उन पर हमला हो जाता है, जिनमें से उनके कुछ लोग घायल हो जाते हैं। ग्रीनलैंडर्स पहचान जाता है कि ये सब की गई साजिश है, और सभी लोग बचने के लिए नीचे झुक जाते हैं। इस लड़ाई में उनके 1-2 लोग मर भी जाते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पीछे वापस लौट जाते हैं, लेकिन ग्रीनलैंडर्स नहीं जा पाता है। वो सब ग्रीनलैंडर्स को छोड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रीनलैंडर्स मर गया। वापस लौटने के बाद प्रिंस राजा को ये सभी बात बताता है। ये सुनकर राजा चौकन्ना हो जाता है और आगे की सोचता है। अगले ही दिन राजा लड़ाई के लिए अपना संदेशा इंग्लैंड के खिलाफ गड़वा देता है। दूसरी तरफ इंग्लैंड का वो लड़का राजा बनने की जिद कर रहा था, और वो उन सबको समझाता है कि मैंने बड़ों के जैसा काम किया है, क्योंकि मैंने वाइकिंग्स को दलदल में रोक दिया है, क्योंकि दलदल में वाइकिंग्स के ऊपर जो हमला हुआ था वो मैंने ही करवाया था। इतने छोटे लड़के में इतना ज्यादा दिमाग देखकर वे लोग हैरान रह जाते हैं और उसका राज्याभिषेक करने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस और ग्रीनलैंडर्स यही सोच रहे थे कि वो ग्रीनलैंडर्स मर गया है। सभी लोग उसे ढूंढने के लिए वापस जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ वो ग्रीनलैंडर्स लड़की अपनी दोस्त को ठीक कराने के लिए एक वैद्य के पास लाती है। अगले दिन को उस ग्रीनलैंडर्स की आंखें खुलती हैं और उस पर कोई हमला करने ही वाला था, तभी उसे प्रिंस आकर बचा लेता है। ये सब देखकर ग्रीनलैंडर्स बहुत खुश होता है। अगले सीन में प्रिंस और ग्रीनलैंडर्स दोनों नाव में जा रहे थे, तभी वहां से इंग्लैंड के कुछ लोग इंग्लैंड में दाखिल हो रहे थे। वो उनके साथ ही चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि कैसे वाइकिंग्स अंदर घुस सकते थे। कहानी में दूसरी तरफ जो वैद्य लड़की थी उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी दोस्त को ठीक कर दिया है और तुम यहाँ से जल्द निकल जाओ, वरना तुम्हारे साथ इसके अलावा और भी बुरा हो सकता है। इधर इंग्लैंड में उस लड़के का राज्याभिषेक हो चुका था, सभी लोग उसे राजा मान चुके थे। प्रिंस और ग्रीनलैंडर्स भी इंग्लैंड के पुल तक आ चुके थे और उन्होंने देख भी लिया था कि कैसे उन्हें अंदर घुसना था, और वो ग्रीनलैंडर्स लड़की भी अपनी जान बचाने के लिए मंदिर की तरफ निकल पड़ी थी, जो कि वहां के पुजारियों के पास जा रही थी, क्योंकि लड़की ने जो शैतान मारा था वो मंदिर के पुजारियों को मारता था। जो शैतान उस लड़की ने मारा था उसके पास एक काले कोट वाला आदमी आता है, मानो ऐसा लग रहा था कि वो उसके कोई साथ वाला था, और वो उसे मारने वाले के कातिल को ढूंढने के लिए बोलता है। दोस्तों, कहानी के अगले सीन में प्रिंस समझाता है कि मेरे पास एक प्लान है, और ये प्लान मैंने नहीं बल्कि ग्रीनलैंडर्स ने बनाया है। उसका नाम सुनते ही ईसाई वाइकिंग्स हंसने लगता है कि ये छोटा बच्चा क्या प्लान बनाएगा। राजा उस वक्त तो उस प्लान के लिए मना कर देता है, लेकिन एक बार सोचता जरूर है। दूसरी तरफ इंग्लैंड का राजा एस्ट्रियोना राजा के पास जाता है और उससे कहता है कि जब भी वाइकिंग्स हमारे हमले के लिए आएंगे तो तुम उनके पीछे से आ जाना और उन पर वार कर देना, इससे हमारी जीत हो जाएगी। लेकिन एस्ट्रियोना कहता है
कि जीत तो सिर्फ तुम्हारी होगी, इससे मुझे क्या मिलेगा। लेकिन इंग्लैंड के राजा के प्रेशर डालने पर एस्ट्रियोना मान जाता है। दूसरी तरफ वाइकिंग का राजा उस ग्रीनलैंडर से आकर बात करता है कि तुमने जो प्लान बनाया है वो वाकई अच्छा है और हम इसी प्लान से आगे बढ़ेंगे। अगले दिन को उसी प्लान की तैयारी होने लगती है, उसी तरह के हथियार बनाने लगते हैं। आज के दिन हर कोई काम में लगा हुआ था। इंग्लैंड के युद्ध करने से पहले सभी वाइकिंग्स आपस में गले मिल रहे थे, क्योंकि कुछ पता नहीं कि कौन मरे कौन जिंदा बचे। सभी वाइकिंग्स लकड़ी के चप्पू बनाकर आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर चलने पर वाइकिंग्स को इंग्लैंड के पुल के रक्षक दिखाई पड़ते हैं। वाइकिंग्स उन्हें अपनी तीर के द्वारा वहीं पर मार डालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सभी वाइकिंग्स नाव की सहायता से आगे बढ़ रहे थे। इधर राजा कनूट भी अपनी सेना को लेकर इंग्लैंड की तरफ निकल पड़ता है। ग्रीनलैंडर्स के साथ कुछ वाइकिंग्स पुल के नीचे उतर जाते हैं और पुल के ऊपर खड़े रक्षकों को कुछ भी पता नहीं चलता है। और जब रक्षक सामने की ओर देखते हैं, उधर से ईसाई वाइकिंग्स उन पर आक्रमण के लिए अपनी नावों की सहायता से आगे बढ़ रहा था। जब ये बात इंग्लैंड के राजा को पता पड़ती है, तब वो सामने की दीवार पर आकर खड़ा हो जाता है। इधर इंग्लैंड के राजा की भी सेना तैयार हो चुकी थी और वो वाइकिंग्स को रोकने के लिए नदी में से जंजीरें उठवा देता है। ये देखते ही ग्रीनलैंडर्स और वाइकिंग्स हैरान रह जाते हैं। इधर राजा कनूट भी सभी वाइकिंग्स को लेकर उस पुल पर पहुंच चुका था। राजा कनूट के साथ सभी वाइकिंग्स कुल्हाड़ी बजाकर आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उनकी ये साजिश थी। इसी कुल्हाड़ी की आवाज में नीचे ग्रीनलैंडर्स और प्रिंस अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। वो उस पुल को कुल्हाड़ियों की सहायता से काटने लगते हैं। पुल के ऊपर आवाज इतनी हो रही थी कि किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि नीचे पुल की कटाई हो रही है। थोड़ी ही देर में राजा कनूट इंग्लैंड के राजा के पास पहुंच जाता है और उसे लड़ाई के लिए चुनौती दे देता है। इंग्लैंड का राजा फिलहाल में लड़ाई के लिए मना कर देता है, लेकिन वाइकिंग्स उसकी हंसी उड़ा देता है, उसे डरपोक कहने लगता है और सभी वाइकिंग्स उस राजा को देखकर हंसने लगते हैं। अपनी बेइज्जती होता देख इंग्लैंड का राजा उनकी लड़ाई को स्वीकार कर लेता है और जल्द ही अपनी सेना की तैयारी करने लगता है। इंग्लैंड की रानी को पता था कि जोश में आकर राजा ने गलत कदम उठा लिया है। वो राजा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राजा उत्तेजना में कहां रुकने वाला था। तभी महल का दरवाजा खोल दिया जाता है। सभी सैनिक आपस में भिड़ जाते हैं। कुछ देर तक तो लड़ाई होती है, लेकिन वहां पर वाइकिंग्स की सेना हार मानने लगती है। इंग्लैंड के राजा को लगता है कि वे जीत रहे हैं और वे वाइकिंग्स के ऊपर हावी होने लगते हैं। इधर पुल को तोड़ने के लिए ग्रीनलैंडर्स और प्रिंस उसके तीर में रस्सी बांधकर नाव की ओर फेंकने लगते हैं। जब राजा कनूट को लगता है कि उसकी सेना हार रही है, तो वो पुल के पीछे वापस जाने लगता है। इंग्लैंड का राजा वाइकिंग्स की सेना को हारता देख उस पर और ज्यादा हावी होने लगता है और लड़ते लड़ते उनका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर में पुल पार हो जाता है। तभी ये बात इंग्लैंड की महारानी को पता लग जाती है। वो अपने सैनिक को भेजती है कि ये एक चाल है, ये राजा को मारना चाहते हैं, उसे तुम जल्दी बुला लो। इतनी ही देर में ईसाई वाइकिंग्स पुल की रस्सियों को अपनी नाव में बांध लेता है और उसे तोड़ने के लिए जोर लगाने लगता है। इधर एस्ट्रियोना भी अपनी सेना को लेकर आ जाता है। तभी इंग्लैंड के राजा के पास सलाहकार आ जाता है और उसे वापस जाने के लिए कहता है। देखते ही देखते वाइकिंग्स की पूरी सेना सभी झाड़ियों में से निकलकर बाहर आ जाती है और ये देखकर इंग्लैंड के राजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी इंग्लैंड का राजा डर के मारे वापस महल की तरफ लौटने लगता है। इधर ग्रीनलैंडर्स के साथियों को भी कुछ तीर कमान लग जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ईसाई वाइकिंग्स पुल को तोड़ने के लिए अपने नावकारों से पूरे जोर लगवा रहा था। वो राजा के महल में वापस लौटने से पहले ही पुल को तोड़ना चाहते थे और जैसे ही इंग्लैंड का राजा पुल को पार करने वाला होता है, इतने में ही पुल बीच में से टूट जाता है और इंग्लैंड का राजा वाइकिंग्स के बीच अकेला फंस जाता है। ये सब होता देख सभी वाइकिंग्स बहुत ज्यादा खुशी मनाने लगते हैं। सभी वाइकिंग्स ग्रीनलैंडर्स को बधाइयां दे रहे थे, क्योंकि उसी के प्लान की वजह से आज ये सब हुआ था। इधर एस्ट्रियोना राजा चाहता तो वो राजा को बचा सकता था, लेकिन वो भी वापस लौट जाता है क्योंकि इंग्लैंड के राजा ने उससे बहुत अभद्र तरीके से बात की थी। सभी वाइकिंग्स यानी राजा कनूट इंग्लैंड के राजा को बंदी बना लेता है। ये वाला पार्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है।